शहर के कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में कुछ समय से दो पक्षों के कुछ लोगों के बीच चल रही तनातनी ने सोमवार को रात में एक बार फिर से तूल पकड़ लिया, जिसके चलते क्षेत्र में जमकर पथराव किया गया। यही नहीं, उपद्रवी युवकों की ओर से कांच एवं खाली बियर की बोतलें भी फेंकी गई, जिसके कारण सड़क पर पत्थर एवं कांच बिखर गए। हालात यह रहे कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी युवकों ने पत्थर और बोतलें चलाई, जिससे मामला और गर्मा गया। बाद में सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया। घटना की खबर लगते ही पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी हरकत में आ गए। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय, डिप्टी हीरालाल सैनी, सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा भी मौके पर डटे रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों से भी जाप्ता बुलाया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को रात 9 बजे के करीब कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में दो पक्षों की ओर से आपस में पथराव किया गया, जिसके चलते माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान क्षेत्र में पुलिस टीम भी मौजूद थी, लेकिन उस पर भी पथराव किया गया। पुलिसकर्मियों ने उस समय तो अपना बचाव किया, लेकिन सूचना के बाद थाने से मौके पर जाप्ता पहुंच गया। पथराव किसने और क्यों किया, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्रवासियों की ओर से जो जानकारी मिली है उसमें सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से यह सिलसिला जारी है। सोमवार को रात भी दोनों तरफ से घरों की छतों से पत्थर चलाए गए, कांच और बियर की खाली बोतलें फेंकी गई। गनीमत रही कि पथराव में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना के बाद हरकत में आए पुलिस एवं प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। उधर सिटी पुलिस ने मामले में कुल 23 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया है। पुलिस ने सभी को 107, 108, 116/3 तथा धारा 151 में गिरफ्तार किया है। कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पत्थर फेंके इधर उधर, मौके पे शांति है, पुलिस बल को पता चला, पुलिस बल तैनात है और जिन्होंने भी पत्थर फेंके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी पहुंच पाए हैं कि वास्तव में रीजन क्या था पत्थर फेंकने का, उसकी भी जानकारी कर रहे हैं। ये कि दोनों समाज के कुछ असामाजिक जो लड़के हैं एक दूसरे के ऊपर पथराव किया है और पूरा रोड पे इन्होंने बोतल फोड़ी है और पथराव किया है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, जो भी भीड़ इकट्ठी हुई थी उसको तितर बितर किया गया है। साथ में दोनों तरफ के जो लड़के थे जो भी इन्वॉल्व थे उसमें, उनको पकड़ के लेके आए हैं। अभी उनको पाबंद किया जाएगा और अभी पूरी स्थिति शांत है। चंदानी एंड सन्स, एक कंप्लीट किराना मार्ट, लाए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर कार्तिक मसाले, बगैर मिलावट के शुद्ध मसाले, हर रसोई की पहली पसंद। साथ ही कार्तिक ब्रांड की कार्तिक चाय, घूट घूट में लाए ताजगी। कार्तिक डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों को देने जिंदगी, और शुद्धता से भरपूर तिल्ली, मूंगफली, सोयाबीन का कार्तिक तेल और चटपटे अचार में ब्रांडेड अगरबत्तियां। जन्म से लेकर विवाह तक सभी जरूरत का सामान उपलब्ध है तथा मांगलिक आयोजन हेतु पूजन सामग्री व सभी प्रकार का किराना सामान बेहद वाजिब दाम में। और तो और मक्खन, पनीर, चीज, फ्रेंच फ्राइज, नूडल, पिज्जा व फास्ट फूड बनाने के आइटम्स भी, साथ ही डिस्पोजल आइटम्स भी उपलब्ध और ड्राई फ्रूट की विशाल रेंज। तो आज ही चले आइए चंदन एंड सन्स, एक कंप्लीट किराना मार्ट, चांगेट के अंदर लूम जी के ढाबे के पास, ब्यावर।